नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट के रिवीजन का ये हमारा 9th लेक्चर है। इस वीडियो में हम फरवरी महीने के एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में है। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल, जिसे रूबी गुला के नाम से भी जाना जाता है, ये गोवा का स्टेट बर्ड है। इस बुलबुल को 36वें नेशनल गेम्स का मास्कोट चुना गया है। मास्कोट मतलब सिंबल जो किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो, 36वें नेशनल गेम्स 20 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 4 नवंबर तक चलेंगे। कहां पर? गोवा में। हम बात करें फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में। देखो, नेचुरली साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल मिलता है। हमारे देश के साउदर्न आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, ईस्टर्न केरला और नॉर्दर्न तमिलनाडु में नेचुरली आप फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल को देख सकते हो। IUCN की रेड लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। और हमारे 1972 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, इस एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल में जो भी एनिमल्स या फिर बर्ड्स आते हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। इसके बाद थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में जो एनिमल्स या फिर बर्ड्स आते हैं उनको भी देखो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड होती है, लेकिन पेनल्टी रिलेटिवली कम लगती है। नेक्स्ट, पांचवें शेड्यूल में जो एनिमल्स या बर्ड्स आते हैं उनका शिकार किया जा सकता है, उनको मारने पर कोई पेनल्टी, कोई फाइन नहीं लगता, सजा नहीं होती। आपने देखा होगा जिन एनिमल्स को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जैसे देखो बिहार गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अनुमति मिलने के बाद नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था, हिमाचल प्रदेश में मंकी यानी बंदर को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो उनको पाँचवें शेड्यूल में डाल दिया गया, मतलब उनके शिकार करने पर कोई फाइन, कोई सजा नहीं होगी। लास्ट में 6th शेड्यूल में प्लांट्स आते हैं और वो प्लांट्स आते हैं जिनकी खेती, जिनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। लास्ट में देखो एक बात ये बोली जाती है, ये जो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल है इनको उन पहाड़ियों में देखा जा सकता है जहां पे रॉक्स होती हैं यानी चट्टाने होती हैं, और वो पहाड़ियां जो झाड़ियों से घिरी होती हैं, ऐसी पहाड़ियां ज्यादातर मिलती हैं ईस्टर्न घाट में, सेंट्रल पेनिनसुलर इंडिया में, लेकिन कुछ वेस्टर्न घाट में भी ऐसी पहाड़ियों को देखा जा सकता है। तो ये एक प्रकार से हैबिटेट है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल का। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के बारे में। चलते हैं आगे, आइए देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला आर्टिकल इंडियन गौर के बारे में है। न्यूज में क्यों है? वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स ने हाल ही में इंडियन गौर की प्रेजेंस को डॉक्यूमेंट किया है फानसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ऐसा पहली बार किया गया है। जो गौर्स हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट और टालेस्ट वाइल्ड बोवाइंस हैं। बोवाइंस जो काऊ की प्रजाति से संबंधित जीव हैं उन्हें ही बोवाइन कहा जाता है। इनकी जो 85% पॉपुलेशन है वो इंडिया में पाई जाती है। जो इंडियन गौर हैं उन्हें शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत, मतलब इन्हें हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, और इन्हें वल्नरेबल टैग किया गया है IUCN की रेड लिस्ट में, मतलब कि इनकी स्थिति खराब है और इन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है। जो गौर हैं वो लार्जली एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। हालांकि मॉइस्ट डेसिड्यूस फॉरेस्ट के फ्रिंज में यानी कि किनारे का जो एरिया है जिसे आप डेसिड्यूस फॉरेस्ट कह सकते हैं, वहां पर भी थोड़ी बहुत इनकी प्रजातियां मिल जाती हैं। जो गौर है वो हाईली थ्रेटेंड है बिकॉज ऑफ पोचिंग, इनको मार दिया जाता है और बाद में इंटरनेशनल मार्केट में इनको बेचा जाता है, इसीलिए इस जीव को बचाए जाने की आवश्यकता है। फानसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। ये सेंचुरी मुराद और रोहा जो तालुकाज हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, वहां पर सिचुएटेड है। इसे 1986 में बनाया गया था, जहां पर कुछ कोस्टल वुडलैंड इकोसिस्टम को वेस्टर्न घाट के प्रिजर्व करने के ऑब्जेक्टिव के साथ इसे तैयार किया गया था। इंपोर्टेंट आर्टिकल मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में है। न्यूज में इसलिए है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व क्योंकि यहां पर जो थेपाकाडू एलिफेंट कैंप है, इस कैंप में 48 दिनों के एक रिजुवनेशन कैंप का इनॉग्रेशन हुआ कैप्टिव एलिफेंट्स के लिए, मतलब उन हाथियों के लिए जिनको कन्फाइन कर लिया गया है, कैद कर लिया गया है।
मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस करें। मुदुमलाई नेशनल पार्क जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। आप मैप देखिए, मैप में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स और नीलगिरी हिल्स के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर टाइगर रिजर्व के वेस्ट में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉर्थ में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और साउथ में है साइलेंट वैली और मुखुर्थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर नीचे देखिए मुखुर्थी नेशनल पार्क है, साउथ में है मुखुर्थी नेशनल पार्क और साइलेंट वैली। वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। वैसे तो मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, बट केरल और कर्नाटक से बॉर्डर भी टच होता है। आप मैप में देख सकते हो, यहाँ पर है केरला, तमिलनाडु, ऊपर कर्नाटक, तो बॉर्डर टच होता है यहाँ पर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का। ये सेंचुरी जो है 5 रेंजेस में डिवाइडेड है, मसीनागुड़ी, थेपाकाडू, मुदुमलाई, कारगुड़ी, नेलाकोटा। इस प्रोटेक्टेड एरिया में जो कि नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काफ़ी डाइवर्स फोना है, जैसे इंडियन एलिफेंट, बंगाल टाइगर, मालाबार जायंट, स्क्विरल, स्क्विरल का मतलब होता है गिलहरी, गोर एंड इंडियन लियोपर्ड। एटलीस्ट 266 के आसपास बर्ड्स की स्पीसीज हैं मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इनमें से बहुत सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, जैसे इंडियन वाइट रम्प्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, वल्चर का मतलब होता है गिद्ध। तमिलनाडु में दूसरे टाइगर रिजर्व्स की हम बात करें, अनामलाई टाइगर रिजर्व, कालाकड़, मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेंगोलिन्स के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? देखो, अभी चाइना में कोरोना वायरस का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है, कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने ये दावा किया है पेंगोलिन ने कोरोना वायरस के स्प्रेड को फैसिलिटेट किया, मतलब कोरोना वायरस ज़्यादा स्प्रेड हुआ पेंगोलिन्स की वजह से। पेंगोलिन देखो एकमात्र ऐसे मैमल हैं जिनका पूरा शरीर इस प्रकार के स्केल से ढका हुआ होता है। आप ये तस्वीर देखिए, पेंगोलिन के पूरे शरीर में इस प्रकार से स्केल्स बने हुए हैं। इन स्केल्स का काम होता है पेंगोलिन्स की सुरक्षा करना प्रीडेटर से, यानी शिकारियों से। दूर से देखने से पेंगोलिन डायनासोर की तरह लगता है और काफ़ी बार हम डर भी जाते हैं पेंगोलिन को देखने से। जब देखो कोई शिकारी सामने आता है तो पेंगोलिन एक बॉल की शक्ल ले लेता है। ये तस्वीर देखिए आप, एकदम से श्रिंक हो गया पेंगोलिन और एक बॉल की शक्ल में आ गया। अब देखो इस बॉल को कोई शिकारी जैसे टाइगर या फिर कोई दूसरा प्रीडेटर छुएगा तो ये जो स्केल है, स्केल नुकसान पहुंचाएंगे उस टाइगर को। इस प्रकार से पेंगोलिन अपनी सुरक्षा कर पाता है। जीभ जो होती है पेंगोलिन की, बॉडी से भी लंबी होती है। दांत नहीं होते तो चबाता कैसे है पेंगोलिन? पेट के अंदर ग्रेवल एंड कैराटिनस स्पाइंस की सहायता से खाने को चबाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में पेंगोलिन की 8 स्पीसीज हैं और उनमें से 2 इंडिया में मिलती हैं, एक चाइनीज़ पेंगोलिन और दूसरा इंडियन पेंगोलिन। चाइनीज़ पेंगोलिन मेनली नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, इंडियन पेंगोलिन ये आयुषियन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, चाइनीज़ पेंगोलिन ये आयुषियन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 से। दोनों शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आते हैं और शेड्यूल 1 में जो एनिमल्स आते हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। देखो पेंगोलिन जो है इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है चाइना में, वियतनाम में, इनके स्केल्स के लिए काफ़ी स्मगलिंग होती है, अंधविश्वास भी काफ़ी है, जैसे ब्लैक मैजिक में, टोना टोटका में पेंगोलिन्स का इस्तेमाल होता है। तो पेंगोलिन्स जो है एशिया में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग जिन एनिमल्स की होती है उनमें से एक है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेंगोलिन्स के बारे में। चलते हैं आगे। आर्टिकल मुक्तोश्री राइस के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? वेस्ट बंगाल से रिसर्चर्स ने राइस की एक नई वैरायटी को डेवलप किया है जिसका नाम है मुक्तोश्री। टेक्निकल नेम है IET21845। खास बात देखो मुक्तोश्री राइस की ये है,
आर्सेनिक के रेसिस्टेंट है ये राइस। इस राइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जानें, इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है राइस रिसर्च स्टेशन जो कि वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, चिंसुरा में है, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा मिलकर। मुक्तोश्री राइस की पैदावार एक हेक्टेयर में विंटर सीजन में है 5.5 मीट्रिक टन, जबकि खरीफ के सीजन में राइस की इस वैरायटी की पैदावार है 4.5 से लेकर 5 मीट्रिक टन तक। ये राइस लंबा, पतला और एरोमेटिक है, एरोमेटिक मतलब सुगंधित। खास बात, मुक्तोश्री राइस जो है ये आर्सेनिक के रेसिस्टेंट है। आर्सेनिक देखो एक केमिकल एलिमेंट है जो बहुत सारे मिनरल्स में मिलता है, खास करके सल्फर और मेटल्स के कम्बिनेशन में। एटमॉस्फेयर में एक तिहाई जो आर्सेनिक आता है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आता है जैसे ज्वालामुखी, और बाकी दो तिहाई जो आर्सेनिक एटमॉस्फेयर में आता है वो मैनमेड सोर्सेज से आता है। देखो आर्सेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है स्पेशल तरह के ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए और वुड को प्रिजर्व करने के लिए, लकड़ी खराब ना हो प्रिजर्व करने के लिए। WHO के अनुसार आर्सेनिक के लंबे समय में आप एक्सपोजर में रहते हो तो आपको काफ़ी शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, और आर्सेनिक पानी में मिलकर या फिर खाने में मिलकर हमारी फूड चेन में अगर एंटर कर जाता है तो ये जहर का काम करता है। इससे स्किन कैंसर हो सकता है और स्किन के जो इश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं आर्सेनिक की वजह से। वेस्ट बंगाल हमारे देश में ऐसा स्टेट है जहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल UN कॉन्फ्रेंस ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? 17 फरवरी को गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री के द्वारा इनाग्रेशन किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस की इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इसे देखो बोन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर साइन की गई थी। ये एक प्रकार से फ्रेमवर्क कन्वेंशन का काम करता है और एनकरेज करता है जो भी पार्टीज हैं इस कन्वेंशन में कि आप ग्लोबल और रीजनल एग्रीमेंट साइन करो माइग्रेटरी स्पीसीज जो हैं वाइल्ड एनिमल्स की, उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कब साइन हुई थी? 1979 में। कहाँ पर? बोन, जर्मनी में। और फोर्स में कब आई? 1983 से ये फोर्स में आ गई थी। एम क्या है? एम है माइग्रेटरी एनिमल्स और उनके हैबिटेट को कंजर्व करना। ये देखो एकमात्र ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन पे फोकस करती है, उनके हैबिटेट और उनके माइग्रेशन रूट को कंजर्व करने पे फोकस करती है। इस कन्वेंशन के अंदर दो अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स फर्स्ट जो है उसमें देखो वो माइग्रेटरी स्पीसीज शामिल हैं जो थ्रेटेंड हैं, और अपेंडिक्स सेकेंड में वो माइग्रेटरी स्पीसीज शामिल हैं जिनको कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है। इस कन्वेंशन में टोटल 129 पार्टीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया। अब देखो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होगी, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 13वीं मीटिंग होगी और थीम है माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। थीम आमतौर पर UPSC पूछती नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार नज़र मार लेना ठीक है। देखो क्वेश्चन UPSC इनडायरेक्टली भी पूछ लेती है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी ट्रीटी या फिर कन्वेंशन की सहायता से यूरोपियन यूनियन में जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कॉमन करेंसी को अपनाया। अब देखो इसका आंसर बोन कन्वेंशन नहीं है। बोन कन्वेंशन आपको पता है माइग्रेटरी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए है, लेकिन बोन कन्वेंशन आपको अच्छे से पता है ना, तो फिर सीधा आप यहां पे तो क्रॉस कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ये तो इसका ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बोन कन्वेंशन के बारे में मुझे अच्छे से पता है। तो नॉलेज देखो काफी काम आती है, इवन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में भी। इवन एक और एग्जांपल आप देखिए, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी जो है इसकी सहायता से यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्रीज ने कॉमन करेंसी को अपनाया। सभी मेंबर कंट्रीज ने नहीं अपनाया था, लेकिन जिन्होंने भी अपनाया था वो इस ट्रीटी की सहायता से अपनाया था। एक और क्वेश्चन है, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम इज कंसर्न विद डायमंड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रिन्यूएबल एनर्जी, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित कन्वेंशन आपको याद होगी बोन कन्वेंशन। हालांकि देखो और भी कन्वेंशंस या फिर ट्रीटीज हो सकती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स से संबंधित
लेकिन मेन जो है वो यही है बोन कन्वेंशन। और इवन यहाँ पे अभी हमने स्टडी भी किया, ये एकमात्र ग्लोबल कन्वेंशन है जो कि फोकस करती है माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन पर। तो थोड़ा सा आइडिया जरूर मिल जाता है कि हाँ डी के होने की संभावना कम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डायमंड्स। कन्फ्लिक्ट एरियाज में जो रफ डायमंड्स होते हैं उनके मिसयूज करने पे फोकस करती है ये किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेट स्कीम। चलते हैं आगे। आर्टिकल थैनाटोथरिस्ट के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? देखो, साइंटिस्ट को 2010 में कनाडा के अल्बर्टा में डायनासोर का एक अवशेष मिला था। अब स्टडी से ये पता लगता है ये जो डायनासोर का अवशेष मिला था 2010 में ये टिरनासोर की नई स्पीसीज से संबंध रखता है। टिरनासोर क्या है? ये भी डायनासोर की एक प्रजाति है। तो जो अवशेष मिला था उनको साइंटिस्ट ने अब नाम दिया है थैनाटोथरिस्ट। इसका मतलब है रीपर ऑफ डेथ। रीपर का क्या मतलब है? रीपर देखो एक प्रकार की मशीन होती है जिसकी सहायता से फसल को काटा जाता है। तो रीपर ऑफ डेथ मतलब डेथ की हार्वेस्टिंग करने वाला ऐसा प्राणी। इसके बारे में हम और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करें। देखो अभी तक धरती पर सबसे बड़े मीट खाने वाले डायनासोर्स जो धरती पर जीवित रहे हैं उनमें से एक है ये टिरनासोर जिसका अवशेष मिला है। ये अवशेष देखो 79 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना है। रिसर्चर्स का ये भी कहना है टिरनासोर की अलग अलग प्रजातियों का अलग अलग बॉडी टाइप, बॉडी साइज और स्कल फॉर्म हुआ करता था। फिजिकल फीचर्स भी टिरनासोर की अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग हुआ करते थे। तो ये जो अवशेष मिले हैं टिरनासोर के ये देखो हमें मदद करेंगे जानने में लेट क्रिटेशियस पीरियड के बारे में। ये वो पीरियड है लेट क्रिटेशियस पीरियड जब टिरनासोर्स यानी डायनासोर्स धरती पर घूमा करते थे और इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया थैनाटोथरिस्ट के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है? केरला में देखो आधे से अधिक जो टाइगर्स हैं वो इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। पहले कहा जा रहा था कि वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व नोटिफाई करने के लिए। कहाँ पर है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये केरला में है। ये केरला की सेकेंड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पिछले साल जो स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार यहाँ पर टाइगर्स की संख्या है 75 से लेके 80 के बीच में। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है और आसपास प्रोटेक्टेड एरियाज का पूरा नेटवर्क है जैसे नागरहोल और बांदीपुर। ये कर्नाटक में है नॉर्थ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में है मुदुमलाई। तो आसपास काफ़ी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन ज़्यादा ही आसान है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में है? तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे सी। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है? देखो मेघालय में जो केव्स हैं, मेघालय की गुफाओं का पिछले 30 सालों से एक्सप्लोरेशन चल रहा है। वहाँ पर रिसर्चर्स उन गुफाओं को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक्सप्लोर करते वक्त मेघालय की गुफाओं में वर्ल्ड की लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश मिली है। सबटेरेनियन फिश का मतलब होता है अर्थ के नीचे रहने वाली फिश। देखो ये जो फिश मिली है इस फिश की टोटल लेंथ है 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर। आमतौर पर सबटेरेनियन फिश की टोटल लेंथ होती है एवरेज लेंथ 8.5 सेंटीमीटर। तो सबटेरेनियन फिश की एवरेज लेंथ से ये जो फिश मिली है ये ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा लंबी है। इससे पहले अभी तक लार्जेस्ट सबटेरेनियन जो फिश मिल चुकी है वो है ईल लाइक सिन ब्रांचिडे फिश। इसकी टोटल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर लेकिन अब मेघालय की गुफा में ये जो मछली मिली है इतनी लार्जेस्ट सबटेरेनियन फिश तो देखो आज तक नहीं मिली है। खास बात ये है ये जो फिश मिली है मेघालय की केव्स में ये ब्लाइंड है, आंखें नहीं हैं फिश में। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जा रहा है कि काफ़ी साल पहले ये जो फिश थी अपनी बाकी प्रजातियों से
अलग हो गई और आइसोलेट हो गई मेघालय की केव्स में। वहाँ इस फिश ने अंधेरे से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, इस वजह से आंखें खो दी और आगे कई सारी जनरेशंस जो हैं वहीं पर पैदा हुई और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो बाकी सब टेरेनियन फिशेस से इनका आइसोलेशन हो गया, इसी वजह से इस सब टेरेनियन फिश की स्पीसीज ने नए फीचर्स को डेवलप किया। ये जो नई सब टेरेनियन फिश मिली है इसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है गोल्डन मसीर फिश से या फिर तोर पुटिटोरा फिश से ये नई जो सब टेरेनियन फिश मिली है मिलती जुलती है। गोल्डन मसीर जो फिश है वो देखो हिमालयन रिवर्स की मोस्ट फेमस गेम फिश है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सेम है, काफ़ी जो फीचर्स हैं गोल्डन मसीर फिश में और ये नई जो सब टेरेनियन फिश मिली है दोनों में काफ़ी फीचर्स में अंतर हैं। जैसे गोल्डन मसीर फिश का जो कलर है वो गोल्डन है, लेकिन ये नई फिश जो मिली है मेघालय के केव में इस फिश का कलर फीका है, आंखें नहीं हैं लेकिन गोल्डन मसीर फिश में आंखें हैं। और तीसरा जो डिफरेंस है वो है हैबिटेट का, हिमालयन रिवर्स में रहती है गोल्डन मसीर फिश, जबकि ये जो फिश है नई मिली है ये सब टेरेनियन फिश है, अर्थ के नीचे रहती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में शामिल की गई स्पीसीज के बारे में है। देखो हाल ही में गुजरात के शहर गांधीनगर में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में जो पार्टीज हैं उनकी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, और इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने ये प्रपोजल रखा कि हमारी तरफ से 3 स्पीसीज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकन, इनको यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की अपेंडिक्स 1 में शामिल कर लीजिए। तो इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये देखो राजस्थान का स्टेट बर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वर्ल्ड के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, और सामान्यतः देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे रहता है, ड्राई ग्रासलैंड्स यानी सूखे घास के मैदान जो होते हैं, या फिर स्क्रबलैंड्स, स्क्रब का मतलब होता है झाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, या फिर सूखे जहाँ पर घास के मैदान होते हैं वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहता है। इसकी लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है वो राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आयुष्मान की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स जो एक कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, साइट्स कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है। 1972 का हमारा जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इस एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और देखो शेड्यूल 1 में जो स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट कंजर्वेशन प्राप्त होती है, मतलब उनके शिकार पर हाईएस्ट फाइन लगता है या फिर हाईएस्ट सजा हो सकती है। देखो पिछले 50 सालों में 90% जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की वो कम हो गई है, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन कम हुई है वो शिकार के कारण कम हुई है। इसके बाद है एशियन एलिफेंट। देखो एशियन एलिफेंट की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में है, इसी वजह से इंडिया को एशियन एलिफेंट का नेचुरल होम भी कहा जाता है। इसके अलावा एशियन एलिफेंट मिलता है नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में और म्यांमार में। एशियन एलिफेंट भी रहते हैं स्रबलैंड्स में और ग्रासलैंड्स में, यानी घास के मैदान और झाड़ियों के जो मैदान होते हैं वहाँ पर एशियन एलिफेंट को देखा जा सकता है। एशियन एलिफेंट आयुष्मान की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, और साइट्स जो कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स 1 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। किस वजह से एशियन एलिफेंट्स की संख्या जो है वो कम हो रही है? सबसे पहले हैबिटेट लॉस। हाथी पहले जहाँ पर रहा करते थे उस एरिया पर आज के समय में काफ़ी प्रेशर है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के कारण, इस वजह से हाथी का जो एरिया है ना सिर्फ कम हो रहा है बल्कि हाथी का हैबिटेट फ्रेगमेंट भी हो रहा है। इसके अलावा हाथियों का इलीगल ट्रेड, शिकार और ह्यूमंस के साथ जो कन्फ्लिक्ट होता है ये भी रीजंस हैं जिसकी वजह से हाथियों की जो संख्या है वो कम हो रही है। सबसे लास्ट में बात करें बंगाल फ्लोरिकन की। बंगाल फ्लोरिकन की जो पॉपुलेशन है वो देखो दो जगहों पर कॉन्सेंट्रेटेड है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया में।
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है वो मेनली उत्तर प्रदेश में, असम में, अरुणाचल प्रदेश और नेपाल के ट्राई रीजन में है। बंगाल फ्लोरिकन जो है वो लोलैंड ड्राई एरिया या फिर सीजनली इनंडेटेड, इनंडेटेड का मतलब होता है पानी से फिल्ड एरिया जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, या फिर नेचुरल एंड सेमी नेचुरल ग्रासलैंड्स ऑफन इंटरस्पेस्ड विद स्कैटर्ड स्क्रब्स और पैची ओपन फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि थोड़े थोड़े जगह पर झाड़ियाँ, मतलब यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, फिर कुछ डिस्टेंस बाद कुछ डिस्टेंस बाद, या फिर कुछ पेड़, फिर कुछ डिस्टेंस बाद पेड़, कुछ डिस्टेंस बाद पेड़, इस प्रकार का जो एरिया होता है वहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन रहना पसंद करते हैं। आयुष्मान की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। बंगाल फ्लोरिकन्स की जो संख्या है अभी काफ़ी कम है और तेज़ी से और भी कम हो रही है, क्योंकि देखो ग्रासलैंड्स जहाँ पर बंगाल फ्लोरिकन्स रहते हैं ये एरिया काफ़ी श्रिंक हो रहा है, तो हैबिटेट श्रिंक होने के कारण बंगाल फ्लोरिकन्स की संख्या कम हो रही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल बुड्ढा नल्ला के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पंजाब की गवर्नमेंट ने 650 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बुड्ढा नल्ला के रिजुविनेशन के लिए। नल्ला का मतलब है नाला। बुड्ढा नल्ला देखो एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है, एक प्रकार से सीजनल नाला है। बारिश आती है तो पानी आ जाता है इस नाले में। देखो दिक्कत ये है, ये जो नाला है वो पंजाब की लुधियाना सिटी से होकर गुजरता है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है ये नाला। और बाद में यही नाला मिलता है सतलुज रिवर से जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस की, इस वजह से सतलुज रिवर का पानी भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। देखो साउथ वेस्टर्न पंजाब में ज़्यादातर जो एरिया है वो इरीगेशन के लिए कैनल वाटर पर डिपेंड करता है, यानी यहाँ पर नहरों का जाल है। तो ये जो नाला है बुड्ढा नल्ला, इस नाले से पानी कैनल्स में भी चला जाता है, तो इस वजह से भूमि की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है और लोगों की जो हेल्थ है, इन्वायरमेंट है, वो भी प्रभावित होता है इस नाले की वजह से। एनजीटी ने डायरेक्शंस दी थी पंजाब गवर्नमेंट को कि आप कुछ उपचार कीजिए ताकि इस नाले की वजह से लोगों की सेहत पर, इन्वायरमेंट पर और लैंड पर बुरा असर ना पड़े। तो इसी को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अब 650 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं हाईली पोल्यूटेड बुड्ढा नल्ला के रिजुविनेशन के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कवल टाइगर रिजर्व से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है? देखो ह्यूमन एंक्रोचमेंट जो है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, वो ज़्यादा बढ़ रही हैं कवल टाइगर रिजर्व में, जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों को इलीगल ढंग से गिराया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, एनिमल्स का हैबिटेट लॉस हो रहा है, शिकार भी बढ़ गया है एनिमल्स का कवल टाइगर रिजर्व में। है कहाँ पर ये कवल टाइगर रिजर्व? ये तेलंगाना के नॉर्दर्न पार्ट्स में है। कवल टाइगर रिजर्व, कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में और बाद में 1999 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे प्रोटेक्टेड एरिया डेजिनेट कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया 2012 में, यानी ऑलमोस्ट 8 साल पहले। कवल टाइगर रिजर्व जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना के लिए। ये देखो वन ऑफ रिचेस्ट टीक फॉरेस्ट है तेलंगाना में। यहाँ पर ड्राई डेसिडस टीक फॉरेस्ट मिलते हैं, इसके अलावा बैम्बू, टर्मिनेलिया, टेरिकार्पस, एनोजीसियस, कैसियस, ये सब पेड़ भी मुख्य रूप से यहाँ पर मिलते हैं। मैमल्स की बात करें, टाइगर, लियोपर्ड, गोर, चीतल, सांबर, नीलगाय, बार्किंग डियर, चौसिंगा, स्लोथ बियर, ये सब मुख्य एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा भी बर्ड्स और रेप्टाइल्स की काफ़ी सारी स्पीसीज कवल टाइगर रिजर्व में मिलती हैं। न्यूज़ में इसलिए आया है, आर्टिकल पब्लिश हुआ था, ह्यूमन एंक्रोचमेंट जो है बढ़ती जा रही है कवल टाइगर रिजर्व में। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन का आंसर वैसे आप दे दीजिए, दो स्टेटमेंट्स हैं, क्या ये नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में है पहली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट, प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन जो है कवल टाइगर रिजर्व की उसमें डेसिडस फॉरेस्ट ऑफ टीक है। तो देखो दूसरी स्टेटमेंट ठीक है लेकिन पहली स्टेटमेंट गलत है,
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बी। इंपोर्टेंट आर्टिकल जल युक्त सीवर से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है? देखो, दिसंबर 2014 से पहले महाराष्ट्र में लगातार 2 साल तक सूखा आया और बहुत से इलाकों में पानी की भारी कमी हो गई थी। तो फ्यूचर में ड्रोट की समस्या को एड्रेस करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए ड्रोट ना आए, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था दिसंबर 2014 में। अब कंटेस्ट ये है, महाराष्ट्र की अभी की सरकार ने इस प्रोग्राम को बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे थे वो अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। ये प्रोग्राम पहले भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया था, तो जल युक्त सीवर से संबंधित प्रोग्राम के बारे में हम इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे नहरें, बंस, पोंड्स, इनको स्ट्रेंथन किया जा रहा था ताकि मानसून में जो बारिश होती है उस पानी को कंजर्व किया जा सके। इसके अलावा जो नेचुरल वाटर स्ट्रीम्स हैं मतलब नदियां, उनको चौड़ा किया गया और उनको जोड़ा गया मजबूत चेक डैम से ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके। इसके अलावा देखो, महाराष्ट्र में अभी 52% जो एरिया है वो ड्रोट प्रोन है। वहां पर या तो बारिश बहुत ज्यादा कम होती है या फिर होती ही नहीं है। इसमें मराठवाड़ा का एरिया, मध्य महाराष्ट्र का साथ लगता एरिया और विदर्भ के कुछ पार्ट्स आते हैं। हुआ क्या इस प्रोग्राम से काफी फायदे हुए। जनवरी 2019 तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत 16,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। लक्ष्य वैसे ये था हर साल 5,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना और 5 सालों में 25,000 ड्रोट प्रोन विलेजेस को ट्रांसफॉर्म करना, सूखे की समस्या से बचाना। तो जनवरी 2019 तक सिर्फ 16,000 विलेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था और ऑलमोस्ट 34 लाख हेक्टेयर की जो जमीन है वो इरिगेशन के अंतर्गत आ गई इस प्रोग्राम की सहायता से। क्रॉप यील्ड जो है यानी फसल की पैदावार वो भी हर साल बढ़ती गई, खास करके खरीफ क्रॉप्स की, क्योंकि खरीफ क्रॉप्स की पैदावार में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये हमने जल युक्त सीवर के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया, लेकिन अब इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्रास पेडोट्रोपिस ग्रेटा थनबर्गे से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है? ब्रुनेई देखो एक देश है मलेशिया के पास। यहाँ पर साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने लैंड स्नेल की एक नई स्पीसीज को डिस्कवर किया। ये आप तस्वीर देख सकते हो लैंड स्नेल की, नई स्पीसीज की। ये जो नई स्पीसीज मिली है लैंड स्नेल की, इसको नाम दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप जानते हो, ये स्वीडन की एक एक्टिविस्ट हैं जो कि जागरूकता फैलाने का काम करती हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो इन्हीं के नाम पर लैंड स्नेल की नई स्पीसीज को नाम दिया गया है। इससे पहले भी बीटल की एक छोटी सी स्पीसीज को डिस्कवर किया गया था और नाम दिया गया था इन्हीं के नाम पर, ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर, नेलोप्टोडस ग्रेटे। वैसे 2018 में यानी ऑलमोस्ट 2 साल पहले लिनार्डो डी कैप्रियो के नाम पर भी बीटल की नई स्पीसीज का नाम दिया गया था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन इस फैक्ट पे बनता है, किसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है? ये रिपोर्ट रिलीज की गई है पोल्यूशन ट्रैकर, IQ एयर और ग्रीन पीस के द्वारा। किस आधार पर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है? विभिन्न देशों में और विभिन्न सिटीज में पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल देखा जाता है और उसके बाद ये पता लगाया जाता है कौन सी सिटी या फिर कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का लेवल जो है सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री इमर्ज होकर आया है इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश के बाद नंबर आता है पाकिस्तान, उसके बाद मंगोलिया, अफगानिस्तान और फिर इंडिया। इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है। सिटीज़ की बात करें, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ 2019 में गाजियाबाद इंडिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है, उसके बाद नंबर है चाइना का होटन, इसके बाद पाकिस्तान की सिटी गुजरनवाला, चौथे नंबर पे पाकिस्तान की सिटी फैजलाबाद, पांचवें नंबर पे दिल्ली, छठे नंबर पे नोएडा, सातवें नंबर पे गुड़गांव, आठवें नंबर पे रायविंड, नौवें नंबर पे ग्रेटर नोएडा और दसवें नंबर पे बंदवारी, ये भी इंडिया में है।
देखो, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में काफ़ी सारे पोल्यूटेंट्स आते हैं, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से काफ़ी तरह के लंग और हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो सकता है, समझने की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर हो सकती है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्ट्रॉबेरी फिंच से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये पक्षी है, इसे हाल ही में केरला में अकुलम लेक के आसपास देखा गया है। स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी को रेड अवादवत या फिर रेड मुनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये स्पैरोसाइज्ड बर्ड है, मतलब चिड़िया जितनी ये पक्षी है। कौन सी फैमिली का? एस्ट्रिलिडे फैमिली का। ये चिड़िया के साइज का पक्षी है। आयुष्यन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। इसे सामान्यतः ओपन फील्ड्स में और ट्रॉपिकल एशिया के ग्रासलैंड्स में देखा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी फिंच को अमन दवा या फिर अवादवत के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि गुजरात में जो अहमदाबाद सिटी है यहाँ से स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था पुराने समय में इस पक्षी को पालतू बनाने के लिए। और अभी जिस लेक में इसे देखा गया है, जिसके आसपास इसे देखा गया है, वो केरला में है, केरला के त्रिवेंद्रम में। ये एकुलम लेक जो है जिसके आसपास स्ट्रॉबेरी फिंच पक्षी को देखा गया है वेली लेक की एक्सटेंशन है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्ट्रॉबेरी फिंच के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन इकोनॉमी। रिसेंटली हुआ ये था, पवन सुखदेव इनको एक अवार्ड मिला था टाइलर प्राइस। ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है जो कि ग्रीन इकोनॉमी के डोमेन में काम करते हैं। ग्रीन इकोनॉमी है क्या? ग्रीन इकोनॉमी को यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि ये एक ऐसी इकोनॉमी है जो इम्प्रूव करेगी ह्यूमन वेलबींग एंड बिल्ड्स सोशल इक्विटी। उसके साथ साथ ये एनवायरमेंटल रिस्क एंड इकोलॉजिकल स्कैर्सिटीज को भी रिड्यूस करेगी। पवन सुखदेव ने ग्राउंड ब्रेकिंग 2008 रिपोर्ट दिया है द इकोनॉमिक्स ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पर, जिसको होस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने। और ये एक फाउंडेशन भी बना, इनकी रिपोर्ट एक फाउंडेशन भी बनी ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव के लिए। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो ग्लोबल रिसर्च प्रोवाइड करता है कंट्री लेवल असिस्टेंस के साथ। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मोटिवेट कर सके पॉलिसी मेकर्स को और सपोर्ट कर सके एनवायरमेंटल इन्वेस्टमेंट्स को। इन 2007 G8 प्लस 5 कंट्रीज प्रपोज किए थे। G8 देखें, ये G8 कंट्रीज है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। अभी ये G8 जो है वो G7 हो गया है, लेकिन ये इनिशिएटिव तो है ना G8 ने लिया था, अभी G7 हो गया। 2014 में रशिया क्रीमिया को लेकर विड्रॉ कर लिया था अपने आप को। G8 कंट्रीज प्लस 5 कंट्रीज, ये प्लस 5 कंट्रीज कौन सी है? ब्राजील, चाइना, इंडिया, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज है। यहाँ पे इंडिया भी मेंबर है इसका। ये एक इनिशिएटिव लेते हैं ये लोग के एनालाइज करना है, एनालाइज ये करना है कि ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में और ये कॉस्ट कितनी होगी अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई तो, और फेल्यूर कितना होगा, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हम ले रहे हैं मेजर्स उसके फेल्यूर्स क्या हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो देखने के लिए ये एक इनिशिएटिव था G8 प्लस 5 कंट्रीज ने प्रपोज किया था। इसी के रेस्पॉन्स को लेते हुए एक ग्लोबल स्टडी कंडक्ट की गई थी जर्मनी एंड यूरोपियन कमीशन के द्वारा, और इसको चेयर कर रहे थे पवन सुखदेव। यही रेस्पॉन्स ग्लोबल स्टडी ये फाउंडेशन बन गया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ TEEB के लिए। ओके, बेस्ड इन जिनीवा। ये कहां पर है? ये जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड पर, ठीक है। नेचुरल कैपिटल, देखिए ये नेचुरल कैपिटल क्या है, ये ग्रीन इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है। इट इज द स्टॉक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल्स, मिनरल्स दैट कंबाइन टू यील्ड अ फ्लो ऑफ बेनिफिट्स टू पीपल। देखिए ये एक ऐसे रिसोर्सेस है जो कि
कंबाइनली और इंडिविजुअली आई कैन से ये लोग है ना एक बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, पीपल को। यही है हमारा नेचुरल कैपिटल। नेचुरल यानी कुदरती, कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट। ये कुदरत के तौर पे इन्वेस्ट किया गया है कि जो लोग को है ना बेनिफिट पहुंचा सके, वो है नेचुरल कैपिटल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन लेक्स के रिलेटेड है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिसेंटली क्या ये था पुल्ड अप कर दिया था ये तेलंगाना गवर्नमेंट को, क्योंकि ये फेल हो गई थी एक अच्छे से स्टेप्स ले सकें पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। यहां देखिए, ये हैदराबाद का हुसैन सागर लेक है, पॉपुलरली नोन एज टैंक बंड। इसके अराउंड में बहुत सारा पोल्यूशन है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था कि हम कंट्रोल करेंगे इसके इन एंड अराउंड पोल्यूशन, लेकिन ये फेल हो गई। अर्बन लेक होता क्या है, ये डेफिनेशन है जो कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान ने दिया है। ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी मिनिमम डेप्थ होगी 3 मीटर तक, जो कि फैली हुई होगी 10 हेक्टर तक, ये कहलाती है अर्बन लेक। उसी के साथ साथ एक्वेटिक वेजिटेशन भी चाहिए अगर लेक जैसा कंसिडर करना रहा तो इसको। ओके, सेकंड अर्बन लेक क्या है, ये तो हो गई लेक की डेफिनेशन। अर्बन लेक क्या है, अर्बन लेक वो लेक है, सेम ये लेक है, लेक का डेफिनेशन तो जान गए हो आप। अर्बन लेक वो लेक है जो कि एंटायरली विद इन द सिटी लिमिट्स, सिटी के लिमिट्स में हो, सिटी के अंदर हो। ये है टैंकबंड जो हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट आर्टिकल न्यू मानसून डेट्स। सी आपको तो पता ही होगा मानसून जो है अरेबिक वर्ड से लिया गया है मौसम। हेपैलस ने इसको पहले डिस्कवर किया था, आप एंशियंट इंडिया में पढ़े होंगे, हेपैलस ने मॉनसून्स डिस्कवर किया था, तभी मालूम पड़ा कि मॉनसून्स जो है एक क्लाइमेट है जो कि लॉन्ग टर्म में चलते रहता है, 10 साल, 20 साल, 40 साल, इस तरह से चलते रहता है। ये बहुत रेयरली कम होगा। यहाँ पे हम चेंज होने के रिलेटेड बातें करेंगे। हमेशा अब तक, कब से, 1941 से अब तक सिर्फ यही चला आ रहा था कि 1 जून को साउथ वेस्ट मानसून टकराएंगे केरला के तट से, जो कि पूरा फैलेगा ये इंडिया में, ये है। लेकिन अभी ने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD उसने डिसाइड किया है कि रिवाइज करेंगे हम नॉर्मल ऑनसेट एंड विड्रॉवल डेट्स, जो डेट्स पे मानसून इंडिया पे टकरा रहा है और जो डेट्स पे विड्रॉ हो रहा है वो देखेंगे हम, विड्रॉ होने वाली डेट क्या है, ऑनसेट डेट क्या है अभी देखेंगे। तो ये डेट्स को चेंज करने वाले हैं IMD ने। ये चेंजेस अप्रैल में अनाउंस कर दिया जाएगा। मानसून डेट्स होते क्या है, देखिए 4 मंथ्स का मानसून सीजन होता है जो कि साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं हम, जो कि लेकर आता है ऑनसेट मानसून June 1st को केरला से, और ये एंड होगा 30th September को। पूरे 4 महीने की जर्नी है ये मानसून की इंडिया में, जो कि पहला जो June 1st जैसा रेफरेंस लाइन लिए थे हम और September 1st जैसा डेड एंड लिए थे मानसून की, वो सेट की गई थी 1941 में। 1941 से लेकर अभी तक वही डेट्स चल रहे थे, मोर और लेस June 1st को आता ही था मानसून, साउथ वेस्ट मानसून आता था। लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, उसी वजह से IMD ने यह फैसला किया है कि हम मानसून डेट्स को रिवाइज करेंगे। IMD है क्या, देखिए IMD एस्टैब्लिश हुआ था 1875 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आती है। ये याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। IMD इज ऑल्सो वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। IMD जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक शाख है। इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोर्स्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। ये वेदर फोरकास्ट भी करती है और सिस्मोलॉजी, ये अर्थक्वेक्स को मेजर करना, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी। ये है IMD, ये याद रखें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर काम करती है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।